आजादी को तुम दबा कर दे रहे, क्या समझ रहे तुम? किसी की आवाज आजादी को नहीं रोक सकते, यू कैन कट, यू कैन नॉट कट द लिबर्टी। क्या क्या कर रहे हो लोग, क्या कसूर कर रहे हो लोग, क्या कसूर कर रहे हो लोग, वो बोलो मेरे को, क्या कसूर कर रहे हो लोग? अरे रावण ने इन्हें रोको, इन्हें भी रोको, स्टॉप क्वेश्चन, यू कैन नॉट शिफ्ट दम। छब्बीस बच्चों को यहाँ के ऑपरेशन मुस्कान टीम के नाम पे जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये खतई इलीगल है। इस वजह से कि किसी की भी आज़ादी को, है ना, लिबर्टी ऑफ इनोसेंट कैन नॉट बी कटेल बाई एनी लॉ। इसलिए कि ऑपरेशन मुस्कान का पहला उसूल ये है कि कहाँ काम कर रहे हैं वो ओनर को पहले लेना, ओनर का बयान लेना, उसके बाद कहाँ काम कर रहे हो बच्चों को लेना। चूँकि यहाँ स्कूल के बच्चे, स्कूल के जिम्मेदारान और महल के बड़े लोग आके उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं, उनका आधार कार्ड दिए हैं, उनके पुराने जो है सो अटेंडेंस रजिस्टर दिए हैं, इसके बावजूद भी इस तरीके से सताया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस, जो रेलवे पुलिस है, इनका रवैया गुजरात की तरह है। वो लोगों को याद रख लेना चाहिए, ये गुजरात में तेलंगाना है, ये गंगा जमुनी तहजीब का रहने वाला है, ये केसीआर चीफ मिनिस्टर के ज़माने में चलने वाली हुकूमत के लोग हैं। कुछ पुलिस वाले जानबूझ के कर रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान टीम आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, आपको बताना चाह रहा हूँ। चूँकि ऑपरेशन मुस्कान टीम के लिए एक SP का लेटर होना चाहिए। मदर रहमतुल इल्म में तालीम हासिल करने वाले बिहार के बच्चे जो रमजान तातीलत में अपने गाँव को वापस गए थे, आज मदरसे के आगाज़ से फिर जरिए ट्रेन महबूब नगर पहुँचे, लेकिन महल पुलिस की जानब से इन बच्चों को हिरासत में ले लिया गया, लेकर उनको जो है सो काफ़ी, हालांकि उनके डॉक्यूमेंट मदरसे के तालीमी सबूत आधार कार्ड देने के बावजूद भी पुलिस महबूब नगर ने उनको बजाय रिलीज करने के चाइल्ड होम उनके पास भेजना तय किया है। लिहाजा ये जहरदार जुर्म है। ट्रेन में सफ़र करना, ना बच्चे किसी के पास मुलाजिम थे, ना बच्चे कहीं से चोरी का काम कर रही, सिर्फ तालिबान में तालिबान में हिरासत किया उसके।